देखा उस पे मोहर लगाई है। हद तो जब हो गई जब इन्होंने 19 साल सरकार चलाने के बाद इनको हाँ। जनता को बताने को कुछ नहीं था तो कुछ लाडली बहनों को हमारी वर्गलाने का काम करा, उनको उन्होंने 1000 रुपए और 1250 रुपए की राशि मात्र 3 से 4 महीने पहले देके सोचा कि ये चुनाव में मत पड़े। आपके पास बड़ी खबर दर्शकों को यहाँ बता रहे हैं, टेली भी देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टैली बदली है, रुझान बता रहे हैं बीजेपी को बहुमत, ये जादुई आंकड़े पर बीजेपी यहां पर दिखाई दे रही है। सुमित बिल्कुल बाजी पलट गई है यहां पर अपना, 45 सीटों पर बीजेपी आगे और कांग्रेस 41 सीटों पर चल रही है। छत्तीसगढ़ की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो बाजी एकदम से पलट चुकी है छत्तीसगढ़ में। जो हम देख रहे थे जो तस्वीर अपना की, कांग्रेस आगे चल रही थी, कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया था, जादुई आंकड़ा छू लिया था, लेकिन बाजी पलट चुकी है छत्तीसगढ़ में। जी हां, 45 सीटों पर बीजेपी आगे है, 40 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और वैसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में भी 130 सीट और कांग्रेस 91 सीटों पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली हुई है, लेकिन देखिए हम लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये रुझान है, नतीजे नहीं। और नजर बनाए रखें न्यूज 18 पर, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, छत्तीसगढ़ की तस्वीर पल पल बदल रही है, पहले बता रहे थे रुझान कांग्रेस बहुमत पर और अब बीजेपी।